सब्सक्राइब कीजिए विद्युदभी चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। क्या होगा अगर आपके ऊपर बिजली गिर जाएगी? आपको शायद इसकी कल्पना मात्र ही डिस्टर्ब कर दे, लेकिन जानकारी के लिए आज हम इस चीज को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि बिजली गिरती कैसे है। मैं आपको एक वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि आसमानी बिजली गिरती कैसे है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। आप मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो मैंने कार्ड्स में डाल दिया है। बादलों के निचले हिस्से में होता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, और जब धरती पर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं तो बिजली गिरती है। अब अगर किसी मनुष्य पर बिजली गिरती है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। या तो वो मनुष्य किसी ऐसे चीज को पकड़ा होगा जो कि बिजली को अट्रैक्ट करेगी, या फिर वो कुछ ऐसा चीज पहना होगा जो कि बादलों के निचले हिस्से में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ एक मनुष्य बिजली की चपेट में दो तरीके से आ सकता है। पहला तो बिजली उस पर डायरेक्ट गिरे, यानी वो कुछ ऐसा चीज पकड़ा हो जो बिजली को कंडक्ट करे, और दूसरा तरीका ये है कि बिजली जमीन पर गिरे और जमीन से उस मनुष्य के अंदर चले जाए। जमीन पर गिरकर मनुष्य के अंदर प्रवेश करने वाली बिजली के चपेट में कई लोग आ जाते हैं, यानी ये बहुत भयावह होता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजली की चपेट में आ गया हो तो उसके साथ होगा क्या? जितनी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ उसके अनुसार बिजली गिरने वालों में से 90% लोग जिंदा बच जाते हैं। चलिए जानते हैं पूरी बात को। दरअसल बिजली गिरकर किसी के शरीर में कुछ मिली सेकेंड्स तक ही रहती है, और इन मिली सेकेंड्स में मनुष्य के साथ क्या क्या हो सकता है आइए हम ये जानते हैं। सबसे पहले तो बिजली आप में जहां से प्रवेश कर जहां से निकलेगी उस पूरे पाथ पर आपके शरीर में पेड़ों की जड़ की तरह एक निशान या घाव बन जाएगा, यानी आप जल जाओगे। आपके शरीर पर एक विचित्र प्रकार का स्कार सा बन जाएगा। अगर बिजली आपके सिर पर गिरी तो आपका दिमाग बुरी तरह से जल जाएगा, और आपके साथ बुरा से बुरा ये होगा कि आपकी दिल की धड़कन अचानक रुक जाएगी, यानी आपको कार्डियक अरेस्ट होगा और आप तुरंत ही मर जाओगे। लेकिन ऐसी घटना बहुत ही कम होती है। अब जैसा कि मैं आपको पहले ये बता चुका हूँ कि अधिकतम केस में लोग बच जाते हैं, पर गंभीर नुकसान के साथ। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से ठीक रहते हैं, उनके साथ बहुत सारी परेशानियां भी हो जाती हैं। अगर बिजली गिरने के बाद भी आप सरवाइव कर जाओगे तो बिजली गिरने के साथ ही आपके कपड़े जल जाएंगे, आपके जूते में होल बन जाएगा जहां से बिजली निकलेगी, तेज आवाज की वजह से आपके कान के ईयर ड्रम फट जाएंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, नींद न आना जैसे कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, जिससे परेशान होकर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। कुछ लक्षण अपना असर बिजली गिरने की घटना के कई महीनों बाद दिखाते हैं तो कुछ तुरंत ही दिखा देते हैं। रॉय सलिवैन नाम के व्यक्ति पर 7 बार बिजली गिरी, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो अपने शारीरिक परेशानियों की वजह से डिप्रेशन में आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या कर लिया।